हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजाद कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सर देखिए, जो अगली साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, इंडिया को ये चीज चाहिए है कि हमारे पास भी अलहमदिल्ला दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। 1947 में हिंदू महाराजा था। इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है। हमला नहीं, ये शुरू से ही ये इशू है, शुरू से ये एक वॉर भी होता है। जब भी पाकिस्तान इंडिया अलग होता है, सबसे पहले वॉर लड़ेगी कश्मीर के लिए। पाकिस्तान का जो मौकफ है वो ये मौकफ है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि इस लिहाज से कुछ मतलब सबूत है, सबूत ये कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खामी थी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हुई। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत ज्यादा थी, ये नहीं मैं कहता। लेकिन अगर इंडिया फिर भी सोचता है कि वो हमारी आर्मी के रिलेट आके किसी के खिलाफ जाके अगर इंडिया कश्मीर हमसे वापस ले लेगी तो उसकी गलतफहमियां नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से किसी ने एक सवाल पूछ लिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत को कब वापस मिलेगा। तो राजनाथ सिंह ने इसके जवाब में कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्द इंडिया वापस ले लेगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुके हैं कि इंडिया अपने हिस्से वाला कश्मीर जरूर लेके रहेगा। ऐसी चीजें किसी को बताकर नहीं की जाती हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में अपनी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करवा ली है, और पाकिस्तान में अपनी पब्लिक को कहा जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले किए थे और पाकिस्तान ने ये सारी जंगें जीती हैं। मगर उन्हें ये भी नहीं पता कि कश्मीर के चक्कर में 1971 में पाकिस्तान को अपने आधे मुल्क से हाथ धोना पड़ गया था और एक नई कंट्री का जन्म हुआ था जिसका नाम बांग्लादेश था, जो आज हर फील्ड में पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि बांग्लादेश कई दूसरी फील्ड्स में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, मगर पाकिस्तानियों को आज भी उम्मीद है कि वो इंडिया से जंग के बलबूते कश्मीर वापस ले लेगा। आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान वाले कश्मीर में आजकल नारे लग रहे हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च में अपोजिशन लीडर इमरान खान पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। मगर अपनी जनता को पागल बना दो, कोई पाकिस्तान से सीखे। तो आप भी आगे पाकिस्तानियों के जवाब सुनिए कि कैसे कैसे अजीबोगरीब जवाब देते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल ही नहीं है, कोई पाकिस्तानी लॉजिक के साथ बात ही नहीं करता है। इंडिया कह रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर। अच्छा, आपके पास कोई सबूत नहीं है? हमारे पास पाकिस्तान की अगर बात करूं, हमारा पहली बात ये कि इंडिया आजकल ये भी कहता फिर रहा है कि भाई हम इंडिया जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है हम ये भी इनसे वापस ले लेंगे। लेकिन इंडिया को ये चीज चाहिए कि हमारे पास भी अलहमदिल्ला दुनिया की एक बेस्ट आर्मी बैठी हुई है। ये चीजें कहने से पहले तो बहुत दफा सोचना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह ये इंडिया की बातें हैं, इंशाल्लाह कश्मीर हमारा था, वो हमारा रहेगा, वहाँ भी हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। कश्मीर हमारा कैसे था? यार कश्मीर पहले इंडिया का ही था, लेकिन उसका कुछ एरिया हमारे पास आया। कैसे आया? क्या हमने फतह किया? यार फतह किया सारा कुछ किया, लेकिन अब इंडिया दोबारा कहने लगे कि जो एरिया कश्मीर का जा चुका हुआ है वो एरिया हम अब वापस लेंगे। लेकिन वो किसी बहुत बड़ी भूल में है कि ये हमारा एरिया वापस जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हमारे हक में बेहतर होगा। अगर 4 वार्स हमने कश्मीर के लिए लड़ी हैं तो अभी तक हम कश्मीर हासिल क्यों नहीं कर सके? सर देखिए, जो अगली साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे में बेहतर होगा। नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, सब मुल्कों को अलग अलग करने का सिलसिला बना हुआ था ना, ये उनको सोच समझ के करना पड़ना था। ठीक है जी, अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में बेवकूफ़ी की है, ये नहीं। अगर हो सकता है हम हमला ना करते, वो हम पे कर देते। ये किस किताब में लिखा है या क्या आपके पास गारंटी है कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो इंडिया कैसे हमला कर सकता था? देखिए, इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है, उन्होंने भी किया है, हमारे पे हमला ही करने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा सर, मैं तो पाकिस्तानी की बात नहीं करूंगा ना इंडियंस की बात करूंगा, मैं बात करूंगा इंटरनेशनली। मैंने जो स्टडी किया उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहले हमले किए हैं, मतलब जो कश्मीर को हासिल करने के लिए ना हमारी वॉर्स हुई है ना, वो सारे के सारे जो हमले हैं पाकिस्तान ने पहल की है। इस पर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे कायद आज़म साहब जो हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया था हमें उन पे चलना चाहिए था। नहीं देखिए, वो तो ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो वो अक्सरियत पे है, जहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत है वो इलाका हिंदुओं के पास जाएगा, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत, इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अफगानिस्तान मुसलमान काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? चूँकि ये मामला था बड़े सगीर का, बड़े सगीर पाक व हिंद का मामला था, इसमें अफगानिस्तान में तो अपनी एक जमात थी, वो तो उसका तो इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था ही नहीं, क्योंकि मुगल बादशाहों की जो हुकूमत थी, जो इंडिया कायदे आज़म ने जो आज़ाद करवाया है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते थे। इस वजह से अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने ये जद्दोजहद करके पाकिस्तान आज़ाद किया, और इसलिए आज़ाद किया कि इसमें जो मुसलमानों की अक्सरियत के इलाके हैं वो मुसलमानों के पास रहे। सर, जो हमने कश्मीर पर हमला किया और राजा हरी सिंह ने इस्तदा की इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें मदद दें पाकिस्तान के खिलाफ, तो सर जो हमने उधर हमला किया, क्या आपको लगता है उसकी वजह से हमारे हाथों से ये कश्मीर का हिस्सा गया? हमला नहीं, ये शुरू से ही ये इशू है,
शुरू से ही एक वार भी होता है, जब भी पाकिस्तान इंडिया लड़ा होता है सबसे पहले वार लड़ेगी कश्मीर के लिए। पाकिस्तान का जो मौकफ है वो ये मौकफ है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि इस लिहाज से कुछ मतलब सबूत है, सबूत है कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है। जहाँ जब मुसलमानों के वो पाकिस्तान कैसा होगा, पाकिस्तान कैसा, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान जब बना ना तो इसमें ये चीज़ हुई तय जो वो अंग्रेजों का इस लिहाज से तो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में ज्यादा मुसलमान है, और इस हिसाब से अगर देखें तो आधा जो इंडिया वो तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए, क्योंकि वो वहाँ मुसलमान है। आप देख लें अब एक पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान तो फिर इंडिया में बन जाएगा। वो ये है कि वो जो इंडिया के जो है ना वो पावर ज्यादा थी, तो फिर इंडिया ने जो हटाया था 370 कश्मीर से, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम थे या पाकिस्तान के, हमने फिर उस 370 हटने के बाद हमने इंडिया के साथ ट्रेड बंद की, बहुत ज्यादा हमें गुस्सा हो गया, फिर हम क्यों बोले उस पर। जो दूसरी चीज़ है ना, वो दूसरी चीज़ ये है कि ये अक्वामे मुत्तहिदा में ये केस जा चुका है, फैसला करना उन्होंने है। सर आप खुद ही एक साइन कर चुके हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हमने तो साइन बायलैटरल मतलब इंडिया पाकिस्तान मिलकर करेंगे। वो तो कश्मीर तो मुतनाज़ा इशू है, बाकी जो इंडिया पाकिस्तान में कोई मसला बनता है ना उसमें कोई नहीं बोलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।